गायत्री मंत्र जो जपते हैं उसमें भगवान की तरफ से जो आयु निर्धारित की जाती है वो नंबर ऑफ रिस्पिरेशन यानी श्वसन हम कितना बार लेंगे, जन्म लिए हैं तो हम कितना बार जन्म में श्वसन लेंगे वही काउंटिंग होती है, घंटा मिनट दिन काउंटिंग भगवान के रिकॉर्ड में नहीं होती है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि पहले ऋषि मुनि बहुत लंबे समय तक जीते थे, वो लोग अपने श्वसन क्रिया का रफ्तार इतना कम कर लेते थे कि जो श्वसन क्रिया हम दिन में एक जितने बार लेते हैं उतने श्वसन वो लोग कई साल में जाकर के पूरा करते थे। उसी में गायत्री मंत्र का जो है जो जाप का प्रावधान है उसमें है कि आप एक सांस में कितने बार गायत्री मंत्र जापते हैं, इसका मतलब हो गया कि गायत्री मंत्र का साधना जिसको कहते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो प्रॉपर हमारे बस की बात तो नहीं है, वो तो जो घंटों घंटों जो बैठते हैं उनके पास ये सिद्धि होती है, और बच्चों को जो गायत्री मंत्र हम लोग जपा देते जो याद करा देते हैं, याद कराना अलग चीज होती है। और गायत्री मंत्र में यही होता है कि इसलिए आवाज़ नहीं निकलता है, क्योंकि आवाज़ निकलता है तो दम जल्दी से फूलता है, और अधिक से अधिक गायत्री मंत्र को आप एक सांस में बोलना होता है। उसी में मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि मुझे कितना गायत्री मंत्र एक सांस में बोल पाता हूँ। ओम भूर्भुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भूर्भुवदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भूर्भुवदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तस्य पितुर्वरेण्यं, यानी बिना आवाज निकाले अगर आपने 5 बार बोल दिया इसका मतलब माइक आप उसके रूप में, कम से कम एक सांस में 5 बार आवाज जब निकलती है तो वो रफ्तार कम हो जाता है, इसीलिए बिना आवाज़ किए ही ये मंत्र बोला जाता है। ये नहीं होता कि मन में जप लिया कुत्ता बिल्ली सामने में फिगर आ रहा है और आँख मूंदे कितना बार ये मंत्र एक सांस में बोल रहे हैं। तो जिसका साधना होते हैं वह 10,000 बार एक दिन में पढ़ता है, जिसको ऋषि मुनि कहते हैं। हम आपके गृहस्थ आश्रम में 5 बार जप लेते तो समझते हैं कि बड़ा धर्मात्मा हो गए हैं। तो अब आता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस में, गलती किसको कहते हैं, गलती कई प्रकार का होता है, और गलती का मुख्य तात्पर्य हम यही समझते हैं कि जिससे किसी को कष्ट हो जाए उसी को गलती मानते हैं, अदरवाइज गलती नहीं मानते। तो जो हम सोच करके ऐसा काम करते हैं कि सामने वाले को कुछ नुकसान हो जाए उसको हम क्राइम कहते हैं, गलती ये भी है लेकिन उसका दूसरा नाम हो जाता है क्राइम, अपराध। एक गलती क्या होता है कि करते करते करने के बाद एहसास होता है कि हमसे ये गलती हो गया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिस्टेक, त्रुटि हो गई। और कुछ गलती ऐसी होती है कि बीत जाने के बाद भी उसको एहसास नहीं होता कि हमने गलती किया, ऐसा भी गलती इंसान अपने ज़िंदगी में कई बार करता है। वही गलती मैं भी एक बार ज़िंदगी में किया था जिसका अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ, और ये गलती टीचर के लेवल में टीचर को अनुभव में रख सकता हूँ। जब मैं 4थी या 3री कक्षा में पढ़ता था तो किसी टीचर से मैंने क्वेश्चन पूछा क्लास में, उन टीचर को टाइम लग गया। तो जितने भी हमारे क्लास में बच्चे थे सब आ गए, टीचर को घेर लिए। उस समय हम लोग 20 बच्चे थे अपने क्लास में, 11 लड़के थे और 9। हम क्या किए कि दूसरे बगल क्लास में जो टीचर थे, नए नए टीचर आए थे, नवयुवक थे, उस समय वो इंटरमीडिएट बोलते थे तो हम लोग समझते थे इंटरमीडिएट का मतलब बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन, क्योंकि इंटरमीडिएट समझते ही नहीं थे किसको कहते हैं। मैट्रिक का इंटरमीडिएट हम लोग समझते थे कोई बहुत लंबा डिग्री होती है। उनके पास गए, वो बनाने लगे, उनको भी 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट टाइम लगा। तब तक क्या हुआ कि जो पहले टीचर बना रहे थे उनको ध्यान गया कि सब है वो कहाँ है मेरे बारे में। उन्होंने एक बच्चे को भेजा कि जाओ उसको बुला कर ले आओ। वो बच्चे आया उस टीचर के बगल में, वो भी बना रहे थे, वो भी देखने लगे, वो भी रुक गए। फिर दूसरे बच्चे को भेजे, वो भी रुक गए। एवं क्रम में उस टीचर पहले वाले जो टीचर थे वहाँ पर एक भी बच्चा नहीं रहा, और इन टीचर के पास में 20 बच्चे आ गया, जमा हो गया। तब तक क्वेश्चन नहीं बना था। अंत में आते आते क्या हुआ कि दोनों टीचर को क्वेश्चन बन गया। बनने के बाद जो पहले वाले जो टीचर थे सभी को लाइन में खड़ा किए और जूता चप्पल से मारना हम लोगों को। उस समय भी ये सोच रहे थे कि अगर दूसरे टीचर से बना लेंगे तो
तो पहलाने वाला टीचर हमें चावासी देंगे कि तूने किसी से ये क्वेश्चन बनवा लिया। ये सोच करके हम लोग दूसरे टीचर के पास गए थे, लेकिन जब दूसरे के पास ये घटना हुआ तो जूता खाए। उसके बहुत दिनों के बाद ये सोचता रहा कि गलती तो कुछ नहीं किए, फिर भी इतनी मार क्यों लगी। और हमें ही नहीं लगा, 200 बच्चों को लगा था, क्योंकि 200 बच्चों ने गलती कर लिया था। टीचर मारते मारते हकमने मैंने हाँपने लगे थे कि 105 हाथ थप्पड़ मारते तो भाई 200 थप्पड़ हो गया, तो 200 थप्पड़ चलाने में तो टाइम लगता है ना। लेकिन हम लोग सोचते रहे कि आखिर गलती कुछ नहीं किया, फिर मार इतना क्यों खाया। लेकिन जब टीचिंग करने लगे तब पता होगा कि मैंने कौन सा गलती किया था।